तो चलिए, कान खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, करंट लग जाता है, ये सब कुछ कहते हुए अपनी बात महमूद प्राचा आगे ले जाइए, उसके बाद समित उस पर जवाब दे। बकरी पे थे आप वैसे, बकरी पे थे। हाँ जी, तो नहीं, बफेलो पे था मैं। बफेलो जो है ना, हाँ, हिंदुस्तान का 55% जो मिल्क आता है वो बफेलो से आता है, आपकी जानकारी के। तो आप कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी एक एनिमल डिजीज के ऊपर बोलने जा रहे थे, तो सबसे ज्यादा बफेलो पे बोलना चाहिए था, उनका पॉलिटिकल फायदा उठाने का समय आ गया है। वो गांव के बारे में और ओम के बारे में सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए बोलते हैं, उसके अलावा उनका कोई प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ उनका पैसे से है और करप्शन से है जो फैला रहे हैं वो, और आपके माननीय अमित शाह जी दोनों हाथों से जो देश को लूट रहे हैं। आप वो जनता के सामने एनपीएस कहां जा रहे हैं, मतलब बैंक की बैंक जो है आप अमलगमेट कर रहे हैं, ये सब पैसा चोरी का सवाल है, जहां तक तबरेज अफजाई का सवाल है, मतलब और आगे सुन लीजिए, मुस्लिम जो है ना 15 तारीख को रविदास जी के मंदिर के लिए बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दलित और मुस्लिम जो है ना अंबेडकर जी के लोग एक साथ आ रहे हैं, पूरा वो जो बंदूक का लाइसेंस था। आगे सुनिए तबरेज अंसारी के बारे में सुनिए, अरे सुनिए, इसीलिए मॉब लिंचिंग कम हुई थी, इसीलिए तो दोबारा प्रधानमंत्री जी चाबी बढ़ रहे हैं, इसलिए मॉब लिंचिंग कम हो गई थी। ध्यान से सुनिए, तबरेज अंसारी जी के अंबेडकर जी के सामने बैठ के ऐसी ऐसी बातें करते हैं, क्या अत्याचार करते रहते हैं अंबेडकर जी के ऊपर आप। तबरेज अंसारी की बात सुनिए, तबरेज अंसारी की बात सुनिए, पोस्टमार्टम में डॉक्टरों से जबरदस्ती लिखवा लिया गया हार्ट अटैक, क्यों आप ये और लिखवा लेते कि घर में सो रहा था जब उसको हार्ट अटैक जबरदस्ती निकाल लिया, ये पॉसिबल है? आपकी सारे इंस्टीट्यूट कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सीबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है, सीबीसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आरबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, बस आप ही बहुत बढ़िया हैं, आप दूर के दूर छोटे से डॉक्टर कहां है, आप ही महान है। तो वो तबरेज अंसारी घर में सो रहा था, जब उसको हार्ट अटैक आया, ये भी लिखवा लीजिए। और मैं जो आप आखिर में सिर्फ मर्दनी साहब के बारे में बताना चाहता हूँ, वो जो है हमारे ओवैसी साहब थोड़ा शर्मा रहे थे, हमारे आरएसएस के एजेंट बहुत सारी तंजीमों में हैं, खासतौर पे दाढ़ी वाले बहुत सारे आरएसएस के एजेंट हैं, जब उनको ऑर्डर मिलता है अपने प्रिंसिपल से, दुम हिलाते हुए आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, जैसे अरशद मदनी साहब अभी पहुंचे हैं। तो ये बातें सब अब जनता जाग चुकी है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज एक हो रहे हैं। अच्छा, मदनी साहब अगर आरएसएस प्रमुख से मिले तो वो धूम मिला रहे हैं, इसके ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मैं समझ जाइए, ठीक है, एक बार वकार साहब से रिएक्शन ले लूं, जल्दी से आरएसएस के एजेंट, एक सेकंड, एक सेकंड, हां वकार साहब बोल रहे हैं, मैं एक सवाल ही जोड़ दूं, एक सवाल ही जोड़ दूं, शांत हो जाए जरा, और उसके बाद ठीक है, एक सेकंड प्राचा साहब रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है प्राचा साहब, देखिए अभी थोड़ी सी मुझे लगता है भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, क्या है ये दुम 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 लगातार आप बोल रहे हैं, देखिए ये आप शकल देखिए, ठीक है, मैं शकल देख रहा हूं, यहां पर नहीं है, मुझे लगता है बेसिक कर्टसी है प्राचा साहब, ठीक है, यहां पर मदनी साहब नहीं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, हमें थोड़ी सी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, ये तबरेज तो यहां अपने आप को डिफेंड करने के लिए है ना, ठीक है, ठीक है, तबरेज तो डिफेंड करने के लिए है, उसको चोर बताया जाएगा तब ठीक है, अंजना जी पर कोई चोरी का इल्जाम नहीं था, झूठा इल्जाम लगाया गया, और वो है ना कोर्ट देखने के लिए, कोर्ट में होगा ना, यहाँ पर हो रहा है, झूठा चोरी का इल्जाम लगाया गया, ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं उस पर डिफेंड करने के लिए है, यहाँ पे उसको चोर बताते हैं, शर्म आती है संबित पात्रा को, तबरेज को चोर बताते हैं, और जो जिंदा है, मैं तो प्लीज ये अगर शांत हो जाए थोड़ा सा, मदनी साहब तो जिंदा है, बकरी गाय वो सब को बोल दिया, बफेलो भी कर दिया, आप शांत हो जाए, एक सेकंड प्लीज, जल्दी से छोटा देखिए, देखिए इन्होंने कहा कि कुछ दाढ़ी वाले जो है बीजेपी के आगे दो मिलाते, आज से ठीक 10 दिन पहले यही प्राचा थे जिन्होंने एक डिबेट में आपके चैनल में नहीं दूसरे चैनल में कहा कि ओवैसी हमारे आगे दो मिलाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, उस समय ये थे आपके जो हमारे ओबीसी साहब के पार्टी के वकार साहब, वाकरी साहब, वकार साहब भी उसी में थे। मैं आज प्राचा साहब से आपके यहाँ पूछना चाहता हूँ कि क्या जो 10 दिन पहले उन्होंने कहा था कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, उनके लिए उनसे पैसा लेके उनके लिए काम करते हैं, आज उस पे स्टैंड करते हैं या नहीं करते हैं, अंबेडकर जी की कसम खा के बता दे प्राचा साहब। प्राचा साहब 10 दिन पहले नहीं, बफेलो चली गई, बताइए, पहले कहा था, यही कहा था और आज भी कह रहा हूं, ठीक है, एक महीना पहले कहा था, एक महीना पहले, 10 दिन पहले नहीं, अच्छा एक महीने पहले कहा था, खुश मान गए ना, खुश एक महीने पहले कहा था वकार साहब कि ओवैसी जी हमारे एजेंट हैं, और अभी बोल रहे थे बेचारे ओवैसी जी तो सारा सच प्रमुख से मिलने वाले चीफ मदनी साहब दुम हिला रहे हैं, जवाब दीजिए,
हर वो आदमी बेनकाब होगा। आरएसएस का एजेंट है, चिंता मत कीजिए वक्ताने पे। थोड़ा बफल्लो का दूध पीजिए तब जाके ठीक होगा। महबूबा मुफ्ती का खराब हो गया है, बचेगा एक भी नहीं। जवाब दूं वो भी जवाब देने दीजिए। गठबंधन कर रही थी ना आरएसएस से, अंजाम मिल गया। ओवैसी साहब को भी मिलेगा और मर्दिनी साहब को भी मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, सबको मिलेगा अंजाम, चिंता ना करें। जवाब दूं, देखिए इस वक्त जो बहस चल रही है प्रधानमंत्री पे चल रही है, प्रधानमंत्री के बयान पे चल रही है। पराचा को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अंजना जी और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक घंटे की डिबेट रखिएगा पराचा और मैं अकेले। अगर पराचा के कपड़े उतार कर घर ना भेजा तो आसिम वकार नाम बदल दीजिएगा। कपड़े उतार के अगर इस आदमी के घर ना भेजा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा रंग उतार आदमी के पास गंदी जबान के अलावा कुछ नहीं है। जिनके पास आंकड़े होते हैं, जिनके पास तर्क होते हैं, वो गंदी जबान नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी आज से पहले एक शेर लेकर आए थे, उसमें बड़े बेरिंग बने हुए थे, तरक्की का शेर कहा जाता था। वो शेर मर गया और प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि जो उन्होंने ख्वाब दिखाया था शेर को लाकर, वापस उस शेर को मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद, तरक्की की हत्या करने के बाद आज फिर प्रधानमंत्री जी गाय पर खड़े हो गए। गाय को हिंदुस्तान में मां बीजेपी और नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं बोला जाता है, हजारों सालों से बोला जा रहा है और हम सब जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए मां जैसी है। दूसरी बात, गाय का गोश्त कट रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। गाय को काट कर बेचा जा रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पुलिस भी जानती है, सरकार भी जानती है, योगी जी भी जानते हैं, मोदी जी भी जानते हैं, पात्रा भी जानते हैं और इसी की लड़ाई लड़ते हैं। और उसके बाद में आपके जो खुफिया तंत्र है वो भी जानते हैं, गाय काटी जा रही है, कौन खा रहा है, कौन बेच रहा है, ये भी पता है आपको। अगर आप असली माँ के बेटे हैं गाय के, तो लोगों को गिरफ्तार करके दिखाइए। चलिए मैं जवाब जेल भेज के दिखाइए, गाय को सुरक्षित करके दिखाइए। मैं इसका जवाब, आप उसका पैसा खा रहे हैं, आप उसका पैसा खा रहे हैं, आप गाय का गोश्त बिकवा रहे हैं। मुझे गोवा में गाय का गोश्त बिकवाते हैं, मुझे आप त्रिपुरा में बिकवाते हैं, ऐसा ही कुछ है इंजीनियर में बिकवाते हैं, आप असम में बिकवाते हैं। मेरे धर्म की लेके कि गाय का गोश्त बिकवाकर गाय के पैसे से पार्टी चलाते हैं, मुझे आप गाय के पैसे से सरकार चलाते हैं और हिंदुओं को धोखा देते हैं आप। चलिए आपको शर्म नहीं आ रही? हिंदुओं को धोखा, कई बार हम लोग बोल चुके हैं। अभी बैठकर आपने मिसाल दी थी शेर की, सुना अभी सुनिए अंजना जी, शेर की मिसाल दी थी इन्होंने, शेर की मिसाल, शेर को बचाने के लिए, शेर को राष्ट्रीय पशु बनाया गया है और गाय को बचाने के लिए हम लोग आपसे कई बार मांग कर चुके हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाइए। गाय खरीदना भी हराम, गाय बेचना भी हराम, गाय काटना भी हराम, गाय को ले जाना भी हराम। कमाई में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको परेशानी। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, बकार आप क्यों नहीं बना रहे गाय को राष्ट्रीय पशु? मैंने शांति से सुना, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे थोड़ी कम कर दी, मैंने शांति से सुना, आपके ऊपर बिल्कुल सुना लेके खड़े हो जाए। ठीक है।